हम और हमारी अनम बहुत खुशनसीब है जो आप जैसे शरीफ लोग हमें मिले। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो। तो चलो फिर इस इतवार को हम आएंगे अपनी बेटी को लेने। साड़ी भी मोटी पहन के चली गई, पता नहीं क्या समझती अपने आप को। अभी अब क्या मसला हुआ है? ऐसे होती है मंगनियां, ना कोई ढंग की रसम, ना मिठाई, ना कपड़े, और ये अंगूठी, ये पहना के गई है मुझे कंजूस अम्मा। अभी कुछ तो शर्म करो, वो लोग भी कौन से इतने वेल ऑफ है। बस मेरी किस्मत में ही सब कुछ रह गया। मेरी फ्रेंड्स, उनके इतने क्लासी मंगनियां होती है, इतने क्लासी इवेंट्स, डिजाइनर कपड़े, पता नहीं मेरी किस्मत में लिखी गुर्बत कब खत्म होगी। जिस दिन तुम शुक्र अदा करना सीखोगी। किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास है ही क्या। शुक्र अदा करना सीखो। अनम, ये अंगूठी क्यों फेंक दी? ये इसे अंगूठी बोलते हैं? ये पीतल की अंगूठी पे सोने का पानी चढ़ा के इसे मुझे पहना दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रही हो? शुक्र करो नेक शरीफ लड़का मिला है तुम्हें। आजकल तो पढ़े लिखे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह ने तो इतना करम किया, इतना अच्छा लड़का मिला और इतनी अच्छी माँ भेज दी। इतने कसीदे नहीं पढ़े, उनके खाली घर में जाके मैं कैसे गुजारा करूंगी? कि जाती मैं उधार लोगों से चीजें मांगना शुरू कर दूंगी मैं। बेटा, जरूरत की थोड़ी बहुत चीजें देकर ही भेजूंगी ना। थोड़ी बहुत चीजें क्यों, मैं सारा जहेज लेके जाऊंगी, टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, हर चीज लेके जाऊंगी मैं। इतना जहेज अब्बा कहाँ से लाएंगे? पेट काट काट कर तो उन्हें पढ़ाया है। हमें ब्याना भी ना उनकी ही जिम्मेदारी है। उनकी मर्जी से शादी कर तो रही हूँ, और क्या करूं मैं? ऐसे तो समझाना फजूल है।